नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। विपक्ष को डर है कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां उनके ऊपर हाइपर एक्टिव होने वाली। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने यह आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा था कि उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव जैसे नेता हो सकते हैं। मनोज झा ने जो आरोप लगाया था, कहीं ना कहीं ठीक वैसी ही परिस्थिति इन दिनों देखने को मिल रही। केजरीवाल, हेमंत सोरेन और तेजस्वी के ऊपर ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। इन सभी नेताओं को ईडी 5 जनवरी का नोटिस दे रखा है। इसके बाद इन नेताओं के ऊपर ईडी की दबिश देखने को मिल सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने प्लान बी के मुताबिक अपनी पत्नी को सीएम बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। अब सवाल उठने लगा है कि क्या तेजस्वी यादव भी अपने लिए प्लान बी बना सकते हैं? क्या हेमंत सोरेन जैसी परिस्थिति तेजस्वी के ऊपर भी आती है तो तेजस्वी अपनी सीट पर किसे बिठाएंगे? पार्टी के किसी अन्य नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या लालू परिवार का ही कोई इस गद्दी पर बैठेगा? ऐसे में बिहार तक ने पटना के वरिष्ठ पत्रकारों से उनकी राय जाननी चाहिए कि आखिर तेजस्वी यादव संकट में किसे अपनी गद्दी सौंप सकते हैं। क्या राजश्री की हो सकती है राजनीति में एंट्री? वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे कहते हैं कि लैंडपॉट जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल पहले हो चुका है, वह जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में ईडी उनसे पूछताछ करती है और संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है तो तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी संभव है। ऐसे में बिहार में डिप्टी सीएम का पद खाली होगा तो तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री यादव को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण जो है वो इस वक्त झारखंड में देखने को मिल सकता है। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाने की कवायद में लगे हुए। आज से कई साल पहले लालू प्रसाद यादव ने भी यही किया था। उन्होंने भी जेल जाने से पहले राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। तेजस्वी यादव भी अपनी पत्नी राजश्री यादव को उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अब तो ईडी ने भी केस दर्ज किया है और पूछताछ हो रही है, गिरफ्तारी संभव है। गिरफ्तारी के बाद मुझे लगता है कि तेजस्वी, जैसे लालू जी ने राबड़ी देवी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाया था, अब तेजस्वी भी अपनी धर्मपत्नी राजश्री को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसे झारखंड में चर्चा हो रही है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को बनाएंगे, अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे वो तो अब बाद की बात होती है। क्या तेज प्रताप भी दावेदार हैं इस मामले में? वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय कहते हैं कि निश्चित तौर पर अगर तेजस्वी यादव संकट में पड़ते हैं तो उनकी जगह राजश्री यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और राजश्री इसके लिए बेहतर भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो जिम्मेदारी संभाल सकती है। लेकिन इन सब के बीच तेज प्रताप यादव की हामी भी जरूरी होगी, क्योंकि तेज उनके घर के बड़े बेटे हैं और नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। इनमें उनकी सहमति भी जरूरी है। तेज प्रताप यादव अगर राजश्री यादव के नाम पर हामी भर देते हैं तो राजश्री सीएम बन सकती हैं, लेकिन अगर तेज प्रताप यादव वहां अड़ जाते हैं तो फिर अंतिम फैसला लालू परिवार का होगा कि आखिर इस पद पर किसे बिठाया जाए। देखिए, निश्चित रूप से जो राज्यसभा सांसद आरजेडी के मनोज झा ने जो बात कही उसमें सच्चाई दिखाई भी पड़ रही है, क्योंकि वो उसी तरह से ईडी या कह लीजिए या सीबीआई कह लीजिए उसी दिशा में बढ़ भी रही है। जो तो कहीं ना कहीं संकेत जो उन्होंने दिया है उस पर कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो 5 तारीख का डेडलाइन जो तय माना जा रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए, अगर उन पर जो शिकंजा अगर यदि ईडी की कसती जाती है तो ऐसे में निश्चित रूप से जो अंदेशा लगाया जा रहा है, जो झारखंड में हेमंत सोरेन करते माने कल्पना सोरेन के साथ में जो मुख्यमंत्री बनाने की कवायद हो रही है, उसी तरह से निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव या उनके परिवार के लोग भी चाहेंगे कि उनकी पत्नी उप मुख्यमंत्री बने। और वो निश्चित रूप से वो हो भी सकती हैं, वो काबिल हैं, वो पढ़ी लिखी भी महिला हैं, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें बीच में तेज प्रताप अरंगा लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी अपनी दावेदारी दे सकते हैं, परिवार के हैं, बड़े भाई हैं? देखिए, निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव मंत्री भी हैं नीतीश कैबिनेट में और वो उस परिवार के बड़े भाई हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव से भी सलाह राजद परिवार लेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर यदि तेज प्रताप यादव का कंसेंट मिल जाता है फेवर ऑफ राजश्री तो निश्चित रूप से राजश्री बनेंगे, अगर नहीं, अगर यदि तेज प्रताप यादव की बात होती है तो तेज प्रताप, यह तय करना होगा लालू परिवार को ही। वहीं इस पक्ष पर हमने आरजेडी से भी बात की। इस सवाल पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि अगर मगर का जवाब अभी कैसे दिया जा सकता है, जब जो होगा उस समय जवाब दिया जाएगा। यह जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने इसके बारे में पहले ही कह दिया था कि यह सब चुनाव के वक्त चलता रहेगा। तेजस्वी यादव बिहार में नौकरी दे रहे हैं और बीजेपी वाले ईडी सीबीआई भेज रहे हैं। दरअसल बीजेपी अपनी हार के डर से परेशान हो चुके ये आरोप लगा रहे हैं, इसलिए एजेंसियों का दबाव बनाकर कार्रवाई करवा रहे हैं। लेकिन इन सब से हम लोग डरने वाले नहीं। अगर तेजस्वी यादव के ऊपर कार्रवाई होती है तो उनकी जगह कौन ले सकता है? अगर का जवाब अभी हम कैसे देते,
जब जो होगा उस समय उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये बात तो जब से बिहार में सरकार बनी महागठबंधन की, तेजस्वी यादव जी सरकार में आए, तब से तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं कि ये सब चलता रहेगा। इनको पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात करनी नहीं है बीजेपी को, तो ये ईडी, आईटी, सीबीआई, इसको क्या मतलब है? तेजस्वी यादव जी दे रहे हैं नौकरी, ये कब भेज रहे हैं ईडी और आईटी और सीबीआई? देखिए, हर चीज का जवाब दिया जाएगा। जांच एजेंसी वाले भी बेचारे क्या करेंगे, उन पर दबाव है। और सरकार बीजेपी हार मान चुकी है 24 की, इसलिए हर जगह विपक्ष के नेताओं के यहाँ ये ईडी भेज करके परेशान किया जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या वाकई बिहार की सियासत में कोई बड़ा खेल संभव है। पटना से निकेत कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।